भारत का अनमैंड कॉम्बैट ड्रोन यूसीएवी सबस्केल ड्रोन डेमोन्स्ट्रेटर पहली बार सामने आया है जिसमें फ्लाइंग विंग डिजाइन का खुलासा किया गया है अनमैंड ड्रोन जिसे स्विफ्ट के रूप में जाना जाता है यह लड़ाकू ड्रोन घातक के एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के रूप में काम करना है जिसे कथित तौर पर एक अनमैंड बॉम्बर के रूप में विकसित किया जा रहा है स्टिल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड यानी स्विफ्ट का वीडियो और फोटो पर सो पहली बार दिखाई दिया वीडियो में के स्विफ्ट का टैक्सी ट्रायल्स को दिखा रहा है जो संभवतः कर्नाटक के दक्षिणी राज्य में चित्रदुर्ग एरोनोटिकल टेस्ट रेंज में आयोजित किए गए थे अब तक भारतीय रक्षा मंत्रालय या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है आकार के संदर्भ में स्विफ्ट लगभग तेरह फीट लंबा होने का अनुमान है जिसका पंख कुछ हद तक सोलह फीट से अधिक है और इसका वजन लगभग 2,300 पाउंड माना जाता है स्विफ्ट पर लैंडिंग गियर उल्लेखनीय रूप से बड़ा है संभवतः यह अपने आप में एक पूर्ण आकार के यूसीएवी के बजाय घातक के लिए एक छोटा डेमोस्ट्रेटर है इस ड्रोन में इंटरनल वेपन बे होने का अनुमान किया गया था हालांकि इस छोटे पर इंटरनल बे है या नहीं यह स्पष्ट नहीं है फ्यूसलेज के ऊपर बहुत सारी सेंसर्स देखी जा सकती है लेकिन यह निश्चित नहीं है कि यह सिर्फ परीक्षण के लिए है या कॉम्बैट मिशन के जरूरत के लिए स्विफ्ट के पावर प्लांट रूसी निर्मित ओ सैटर्न छत्तीस होने का अनुमान किया जा रहा है यह एक छोटा टर्बोफैन जिसे क्रूज मिसाइलों को शक्ति प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है पीछे से ड्रोन के एक दृश्य से पता चलता है कि डिजाइन डिजाइन में इंजन के निकास के के निकास लिए कुछ प्रकार ढके हुए शामिल हैं जो इस पहलू से इंफ्रारेड और रडार हस्ताक्षर को कम कर देगा कम देखने योग्य निकास इस तरह के स्टेल्थ डिजाइनों के सबसे चुनौतीपूर्ण पहलुओं में से एक हो सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए